वेलकम। पिछले वीडियो में हमने कुछ एलिमेंट्स की बात की थी, हम थोड़े से और एलिमेंट्स की बात करेंगे इस वाले वीडियो में। हमारे पास और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट वगैरह में, अपने वेब पेज में। तो हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स देखेंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है एचटीएमएल में। तो पहले मैंने यहाँ पे एक्चुअली एक H1 टैग डाला है, जो कि हमें पता है हेडिंग टैग है अदर एलिमेंट्स, जो कि यहाँ पे हमें आ गया है इसका रिजल्ट। तो उसके बाद मैंने एक कमेंट किया है। तो कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट के लिए ये तरीका है, स्टार्ट ऐसे होता है और ये क्लोज ऐसे होता है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ये फिर से करके दिखाऊँ कमेंट करने के लिए, ठीक है। हम पहले ऐसे करते हैं, देन वी हैव दिस डिस्क्रिमिनेशन डबल स्पेस एंड उसके बाद जो भी हमें कमेंट लिखना होगा, दिस इज अ कमेंट या जो भी हमें लिखना है, एक वेरी यूजेबल इंफॉर्मेशन एंड देन वी क्लोज दिस कमेंट। वो हम इसे मल्टी लाइन भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, मल्टी लाइन में भी ले सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी हम कोई सेक्शन ऑफ कोड कमेंट ही कर देते हैं, तो कमेंट एक्चुअली हमारे डिस्प्ले पे नहीं आ जाता है, ठीक है। तो ये रीडेबिलिटी ऑफ जो कोड बढ़ाती है, जब हम इसको फिर से पढ़ते हैं या कोई और इस पर काम करता है तो उसके लिए रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इधर कमेंट के बारे में था। देन वी हैव हमारे पास एक एलिमेंट है ब्लॉक कोड से कहते हैं, ठीक है। तो एक एक्चुअली इसमें जब टेक्स्ट हम लिखते हैं ब्लॉक कोड में, तो उसका एक एक कोट कर देता है, कोटेशन बनाता है, एक बड़ी से उसकी एक ब्लॉक बना देता है। और उस ब्लॉक को हम एक किसी साइड, सपोज हमने किसी साइड से कोई चीज़ दिया है, हमने trickybytes.com से कोई अपने पेज पे कोई कोट किया है, वहाँ से कोई बड़ा ब्लॉग एक हम कोट कर रहे हैं, तो उसको हम एक ब्लॉक, जैसे पे यहाँ पे हमने लिखा है टेक्स्ट इनसाइड विल अपीयर एज ब्लॉक इन द पेज, एक ब्लॉक है, ठीक है। तो इसमें हमने ये भी लिखा है, साइट का नाम भी लिखा है कि किस साइड से हमने एक्चुअली में लिया है। सपोज आपने trickybytes.com से कुछ टेक्स्ट लिया है और अपनी पेज में वो डिस्प्ले करा रहे हो, तो आप उसको एज ब्लॉक कोड यूज़ कर सकते हो कि मैंने कहीं से लिया है, और वो इन्फॉर्मेशन आप सेव कर सकते हो, ताकि अगर ये इस पर हम बाकी क्रावलर्स वगैरह कुछ टूल्स हमारे पास होते हैं कि हम ये देख सकें, इसको पढ़ सकें कोड को कि ये कहाँ से लिया है, तो हमें पता चल सकता है, ठीक है। तो ये जो एक ब्लॉक कोड है यहाँ पर मैंने यूज़ किया था। देन उसके बाद हमारे पास एक और टैग है, कोटेशन टैग, क्यू वाला टैग। अब कोटेशन कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने एक पैराग्राफ में कोई सेक्शन दिया है कोट लिखने के बाद, क्यू में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोट लिखने के बाद इस पर खुद से खुद कोटेशन मार्क्स आ गए हैं, ये कोटेशन में आ गए हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया था, हमने इसको कुछ भी कोई भी कोट मार्क्स नहीं दिए थे, कॉमास वगैरह कुछ नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे टेक्स्ट में आउटपुट में, तो यहाँ पर इसने खुद से इसको एक कोटेशन बना के रखा है, ठीक है। तो ये तो क्यू, इसमें हम यूज़ करते हैं क्यू वाला टैग। देन वी हैव अनदर टू एलिमेंट एज ABBR आर एब्रिवेशन टैग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हमने दे, उसके बाद एब्रिवेशन स्टार्ट किया है, उसके बाद टाइटल लिखा है एब्रिवेशन में, इसका एक एट्रीब्यूट है टाइटल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हमने WHO लिखा है, तो यहाँ पर खाली आ जाएगा WHO। देखो यहाँ पर WHO खाली आ रहा है, तो ये जो हमने इसमें टाइटल में जो डिटेल्स दी है वो नहीं आ रही, लेकिन जो ही हम इसको हॉवर करते हैं, यानी इसके ऊपर हम अपने माउस पॉइंटर को ले जाते हैं, तो यहाँ से ये दिखाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक टाइटल आ जाता है हमें कि ये जो आपने इस पर टाइटल ऐड किया है वो क्या है। ये कब काम आता है, जब हमने बहुत सारे टेक्स्ट लिखा होता है, हम नहीं चाहते कि अब हम कोई कोटेशन कहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, हमने एक एब्रिवेशन यूज़ की, लेकिन उस एब्रिवेशन को इलाबरेट नहीं करना चाहते इन द पेज, लेकिन हाँ अगर कोई किसी को पता नहीं है तो उस पर होवर कर, जो होवर करेगा उस हमारे एब्रिवेशन पे, तो उसको उसकी मीनिंग से उसको फुल फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। देन वी हैव अनदर टैग कॉल्ड एज एड्रेस टैग। तो एड्रेस क्या, किस काम आता है, तो एड्रेस काम आता है जब भी हम कोई पेज लिखते हैं या किसी कोई जगह पर एड्रेस देते हैं, तो डिफाइंस दैट ये किसने लिखा है, आप उसके कहाँ उसके साथ रब्ता कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिखा है एड्रेस, ये बाय डिफ़ॉल्ट इटैलिक में आ जाता है, तो रिटर्न बाय प्रोफेसर जफर विजिट एट डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्म, तो ये सारा अगर आप देखोगे इटैलिक में आता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इटैलिक में आ जाता है। तो एड्रेस
टैग हम अगर हमें एड्रेस डिफाइन करना हो, चाहे कहीं पर हम किसी जगह का एड्रेस दिखा रहे हैं या इस पेज या एचटीएमएल पेज या कोई कंटेंट किसने लिखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसके एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो वो हम एड्रेस टैग में दे सकते हैं। देन वी हैव अनदर टैग कॉल्ड एज साइट टैग, ठीक है। तो एक्चुअली टाइटल ऑफ द वर्क अगर हमें कहीं पर दिखानी हो, सपोज दिस इज टाइटल ऑफ द वर्क, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो ये टाइटल ऑफ द वर्क, सपोज हम टाइटल देते हैं ऊपर, उसके बाद हम नीचे या उसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। सपोज हम लिख रहे हैं टाइटल वेब डेवलपमेंट सीरीज, तो उसके बारे में जब हम लिखेंगे तो वेब डेवलपमेंट सीरीज को हम टाइटल कर सकते हैं। जब हम उसके बारे में लिखेंगे कुछ तो वो हम बाद में उसके पैराग्राफ टैग में लिख सकते हैं। ये सारा मैंने पैराग्राफ टैग में ही लिखा है, ये देखा पैराग्राफ टैग में ही लिखा है, लेकिन जो टाइटल है या टाइटल ऑफ द वर्क है उसको साइट किया है, यानी ये आपको बता रहा है, एक हेडिंग से दे रहा है, लेकिन हेडिंग नहीं है, हेडिंग टैग यूज़ नहीं किया है, खाली टाइटल दिया है इसमें, ठीक है। तो ये भी इटैलिक में आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। देन वी हैव बाय डायरेक्शनल, ठीक है। अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी हो टेक्स्ट की, तो हमारे पास एक टैग है BDO, ठीक है। तो BDO का एक एट्रीब्यूट है हमारे पास DIR, इसका एक एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन लिखी है राइट टू लेफ्ट, RTL, राइट टू लेफ्ट। तो ये जो टेक्स्ट आएगा ये राइट से स्टार्ट करेगा और लेफ्ट पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये ऐसा आ गया, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये जैसे मिरर इमेज आ गई, ये सबको मिरर इमेज आ गई, तो वैसा ही कभी कभी हमें कुछ पेज में ये काम आता है, इसके डायरेक्शन हम चेंज भी कर सकते हैं। कभी हमें ऐसी काम आता कि इस पे किसी टेक्स्ट को हमें दिखाना होता है मिरर इमेज या कुछ या ऐसी चीज़, या हम डायरेक्शंस, और भी हमारे पास डायरेक्शन ऑप्शंस है। यहाँ पे मैंने सिंपल एक डायरेक्शन इसमें यूज़ किया है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो इधर थे और कुछ एट्रीब्यूट्स, और कुछ हमारे पास टैग्स या एलिमेंट्स टेक्स्ट के, जो हम डिफरेंट जगह पर यूज़ कर सकते हैं।